बहुचर्चित सुभाष साहू हत्याकांड में आरोपी अपराधी महेश और गमछू लांबट की हत्या कर दी गई। मंगलवार की रात जूनी शुक्रवार के गजानन चौक पर हुई इस वारदात से शहर के अपराध जगत में खलबली मच गई है। देर रात तक पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी। गमछू शहर के अपराध जगत का पुराना खिलाड़ी था। बताया जाता है कि उसकी जूनी शुक्रवार परिसर के लोकेश, पीयूष, दद्या और पिंटिया से रंजिश चल रही थी। उनके बीच मारपीट हुई। संदेह है कि गमछू के शातिर दिमाग होने और उसके आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हत्या की गई है। आरोपी कुछ देर से गमछू को खोज रहे थे। रात 8:30 बजे गमछू बाइक पर सवार होकर घर के पास स्थित गजानन चौक से गुजरा। उसी वक्त 5-6 युवकों ने उसे रोका और युवकों ने धारदार हथियार, डंडे तथा पत्थर से वार कर दिया। उसे मौके पर ही ढेर कर हमलावर फरार हो गए, जिसे परिसर में दहशत फैल गई। वारदात का पता चलते ही डीसीपी लोहित मतानी, डीसीपी गजानन राजमा ने मौके पर पहुंचे। पुलिस संदिग्धों की खोज में जुट गई। गमछू की हत्या की खबर तेजी से शहर में फैल गई। काफी समय से शांत बैठे गमछू की इस तरह से हत्या किए जाने से अपराधी भी अवाक थे। ये महेश नामदेव राव लांबट जूनी शुक्रवार का रहने वाला आदमी है, उसकी हत्या हुई है। हत्या कितने की है वो अभी हम लोग चौकसी चालू है। आरोपी अभी अटक नहीं हुए हैं और गर्दन पर कोई धारदार शस्त्र से मारा है और डंडे से मारा है, उसकी वजह से हत्या हुई है। सर, कितने आरोपी होंगे उसमें, कितने लोगों ने मारा? वो चौकसी चालू है अभी। आरोपी जैसे अटक होते जाएंगे तो पता चलेगा कितने आरोपी हैं। सीसीटीवी फुटेज भी अभी वेरीफाई करना बाकी है। इसके ऊपर पुराने गुने 1999 के 1996 के 2011 में इसके ऊपर एक मर्डर दाखिल है। 8:30 बजे वो आरोपी को अटक करने के बाद समझ में आया। गमछू ने सुभाष साहू के हत्या के पहले भी हत्या, हत्या प्रयास सहित कई वारदातों को अंजाम दिया था। सुभाष क्रिकेट सट्टा चलाता था। सुभाष जूनी शुक्रवार में गमछू के घर के पास रहता था। गमछू ही सुभाष का काम संभालता था। नवंबर 2017 में सुभाष की हत्या की गई थी। उसे नवरात्रि के दौरान साधु बनकर आए व्यक्ति ने प्रसाद में साइनाइड देकर मारा था। आरंभ में कोतवाली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। सुभाष के अपराध जगत में बोलती थी पुलिस। इस मामले में जांच करते समय पीयूष मालवाड़ी, लोकेश शेर ने वैभव बांते इन आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस द्वारा आरोपियों की खोज शुरू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।